नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर सिस्टम कैसे काम करता है और ये जो फ्रिज है आपकी घर का मंथली में बिजली का बिल कैसे कम कर देती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए घंटे का जरूर बजा दे। तो फ्रेंड्स, सोचिए आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर होती है तो उसे इस्तेमाल करने वाला फैमिली का पूरे मेंबर होते हैं। जब मर्जी वो फ्रिज को खोलता है और बंद करता है तो ये जो खुलने और बंद करने में जो कूलिंग लॉस होती है, उस कूलिंग को रिकवर करने के लिए जो कंप्रेसर होती है, कंप्रेसर को ज़्यादा समय चलना पड़ता है। आपके घरों में और सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक फ़ैन होती है, लाइट होती है, अलग अलग कंपोनेंट होती है। ये जो कंपोनेंट है वो आपकी 365 दिन ही चलते हैं पर कम समय चलते हैं। और रेफ्रिजरेटर के अंदर जो कंप्रेसर होती है, जो फ्रिज होती है, वो 24 घंटे उसके पावर दिया जाता है और वो साल में 365 दिन ही चलते हैं। तो जो कंप्रेसर जो चीज़ साल के पूरे दिन चलेंगे और उसके जो कंपोनेंट होती है उससे कूलिंग करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा समय चलना पड़ता है और इससे आपके बिजली के बिल भी काफ़ी आती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को आविष्कार किया गया है और रेफ्रिजरेटर के अंदर इन्वर्टर कंप्रेसर को इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी बात करूंगा कि इन्वर्टर कंप्रेसर क्या है। इन्वर्टर कंप्रेसर एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्रेसर होती है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी संपन्न होती है। वो कैसे होती है? इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि उस पर अलग अलग रेंज के माध्यम से अलग अलग रेंजों में कंप्रेसर रन कर सकती है, वो वर्क कर सकती है। उसके अंदर RPM होती है, जैसे कि 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM, जो कि कूलिंग के अनुसार, डिमांड के अनुसार वो कंप्रेसर को रन कर सकती है, चल सकती है। इसे जब आपकी जितनी कूलिंग चाहिए आपके वो कूलिंग देने के क्षमता रखता है और जब आपको कूलिंग नहीं चाहिए तो आपकी कूलिंग कम कर देती है। तो ये कैसे कम करती है? जिसे हम कहते हैं VFD, जिसका फुल मीनिंग होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। अक्सर फ्रिज में होती है कि एक सर्किट होता है, जो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर होती है उसमें दो अलग अलग सर्किट होती है। एक होती है मेन PCB सर्किट बोर्ड और एक होती है फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसे हम इन्वर्टर सर्किट कहते हैं। और फ्रिज के अंदर अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग बॉडी के अंदर पार्ट में बहुत सारे सेंसर होती है, जिसे डिफ्रॉस्टिंग सेंसर होती है, एयर सेंसर होती है, कूलिंग सेंसर होती है, अलग अलग सेंसर होती है। जो कूलिंग सेंसर होती है, जो एयर सेंसर होती है, वो टेम्परेचर को सेंस करती है कि कितना टेम्परेचर फ्रिज के अंदर अभी हुआ है और कितना टेम्परेचर आपको कूलिंग चाहिए। जैसे कि डिस्प्ले में होती है कि डिस्प्ले में आपको जो डिजिट टेम्परेचर आप सेट करते हैं उसके अनुसार वो सेंसर कमांड करते हैं मेन PCB को। मेन PCB जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, सर्किट होती है PCB, उसमें कमांड करते हैं। तो उसमें कमांड करने से आपके जो कंप्रेसर के EVW होती है उस पर लाइन पहुंचती है और पहुंचने के कारण कंप्रेसर को जितनी कूलिंग चाहिए वो कंप्रेसर उतनी कूलिंग देती है। जब कंप्रेसर की कूलिंग ज़्यादा चाहिए तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाता है, जैसे कि 100 RPM में चल रहा होता है तो वो 2000 यानी कि 3000 एम्पियर में भी कन्वर्ट हो सकती है, रन कर सकती है, अलग अलग रेंजों में चल सकती है। तो आपको और मैं आसान तरीके से बताऊँ कि जब आप दिन में फ्रिज खोलते हैं, बार बार दरवाज़ा ओपन और क्लोज करने के कारण जो कूलिंग लॉस होती है, उस कूलिंग को रिकवर करने के लिए कंप्रेसर को ज़्यादा समय चलना पड़ता है और बिजली खर्च भी ज़्यादा होती है। और एक मज़ेदार बात है कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी संपूर्ण फ्रिज एक यूजर को बिहेवियर को पहचानती है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंट सेंसर होती है। इंटेलिजेंट सेंसर होने के कारण वो कंप्रेसर को, PCB को कमांड करते हैं कि मुझे अभी इतना टेम्परेचर चाहिए और इतना टेम्परेचर हमें अभी पहुंच गया है। तो इस अनुसार कंप्रेसर को वो कमांड करके RPM बढ़ा सकती है, घटा सकती है और कंप्रेसर को स्टॉप कर सकती है।
तो सोचिए जब आप रात के समय सोने जाते हैं तो रात के समय फ्रिज फ्री होता है, कोई भी मेंबर उसे नहीं खोलता है, तो क्या करती है, उसके अंदर कूलिंग धीमी होती है। धीमी होने के कारण आपकी बिजली का बिल भी कम आती है। कैसे कम आती है मैं बताऊंगा। जबकि आपके फ्रिज के अंदर आरपीएम 300 होती है, उससे घटकर 2000 और 1000 आरपीएम में आ जाता है, तो आपकी जो कंप्रेसर चलने की क्षमता है, क्षमता भी कम जाता है और इससे बिजली का बिल भी कम आता है। तो इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर पूरी तरह ऐसे काम करता है और इस तरह काम करने से आपकी बिजली का बिल भी कम आता है और